अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग 2022 को एक और बड़ा धचका लगने का ख़तरा है जब अफगानिस्तान के तमाम टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा राउंड जो कि लाहौर में शुरू होगा वो नहीं खेल सकेंगे इसकी वजह क्या है इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज से पहले ही कोच ने हेड कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया है इसकी वजूहत का जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा जबकि आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के दरमियान और ये पहला मौका है कि ये दोनों टीमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ रही हैं और उसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो गो के टॉप पोजीशन हासिल ना कर सकी पाँचवें पोजीशन पर रही लेकिन तीन बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड कैंप किए पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वो रिकॉर्ड क्या हैं और हसीबुल्ला पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम के आइन बराबर आ खड़े हुए हैं इन तमाम अमूर का जायजा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 की जिसमें कई अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं लाहौर कलंदर के लिए राशिद खान कराची किंग्स के लिए मोहम्मद नबी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रहमान लाला गर्बस खेल रहे हैं इसके अलावा चंद और खिलाड़ी भी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का हिस्सा हैं लेकिन ये खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का जब दूसरा राउंड 10 फरवरी से शुरू होगा लाहौर में शायद वो शुरू के एक दो मैचेस खेलने के बाद वो बाकी मैचेस के लिए अपनी अपनी टीमों को दस्तियाब ना हो सकें इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीरीज़ तय पा गई है तीन वनडे मैच की सीरीज़ है और दो टी और ये सीरीज़ का आगाज़ तेईस फरवरी को होना है जबकि चूँकि ये सीरीज अहमियत की हामिल है अफगानिस्तान के लिए और ये आई वर्ल्ड कप 2023 के जो राउंड क्वालीफाइंग राउंड है उसका हिस्सा है इसलिए ये सीरीज़ दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और अफगानिस्तान प्लानिंग कर रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस सीरीज से एक हफ्ता कबल तरबियती कैंप लगाया जाए अफगानिस्तान टीम का अगर तरबियती कैंप लगता है और कोरोना के जो आइसोलेशन पीरियड होता है इसकी वजह से जल्द बुनाना पड़ता है अफगानिस्तान को अपने प्लेयर्स को तो फिर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान सुपर लीग में ये प्लेयर्स खेल रहे हैं ये कबल इस वक्त यानी बामुश्किल तेरह या चौदह फरवरी तक खेल सकेंगे इसके बाद वो अपने अपनी टीम के तरबती कैंप को ज्वाइन करने के लिए चले जाएंगे लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की जानब से अभी तक इन खिलाड़ियों को कोई पैगाम मौसू नहीं हुआ लेकिन इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है इन खिलाड़ियों को तलब करेगा क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है अफ़गानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग राउंड का हिस्सा है इसलिए शायद वो तमाम प्लेयर्स को एन नहीं देगा कि वो ये सीरीज़ ना खेल सकें जैसा कि गुजशत सीरीज़ में जो कि नदरलैंड के खिलाफ खेली गई थी तो मोहम्मद नबी जो कि कप्तान है अफगानिस्तान के उन्होंने ये सीरीज को स्किप कर दिया था ताकि नौजवान प्लेयर्स खेल सकें और वो खुद पाकिस्तान सुपर लीग दो खेलने के लिए कराची आ गए थे लेकिन अब आइंदा आने वाले सूरत हाल में शायद ऐसा ना हो सके और अफ़गानिस्तान उनको तलब कर लेगा और उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज जिसका अब बाकायदा शेड्यूल जारी हो गया है ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने की हामी भर ली है चार मार्च से इस सीरीज का आगाज होगा लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच जस्टन लेंगर ने अपनी कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है जिसकी वजह यह है कि जस्टन लेंगर को शार्ट टर्म वायदा देने की ऑफर की गई थी शार्ट टर्म कंट्रैक्ट था उनका कंट्रैक्ट जून दो में ख़त्म हो रहा था जिसके बाद उन्हें जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है ज़्यादा लंबा सा कोच नहीं रखना चाह रहा था हालांकि जस्टिन लेंगर की कोचिंग में शानदार कारकरी दिखाई है ऑस्ट्रेलिया ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस जीता यह पहला मौका था कि ऑस्ट्रेलिया टीम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही और कोच थे जस्टिन लेंगर और हालिया सीरीज जो कि कैशिय सीरीज थी इसमें बदतरीन शिकस्त से दो चार किया इंग्लैंड को लेकिन इसके बावजूद इतने शानदार नतीजे के बावजूद उनको हटा दिया गया है उनके साथ उनको मजीद माहा जो है नहीं कर रहे थे शार्ट टर्मदा उनको ऑफर किया गया था जिसे कबूल नहीं किया और तरह लेंगर ने अब बाकायदा तौर पर अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया है और सबक कप्तान रिकी पोटिंग और सबक जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे मैथ्यू हेडन उनके सबक ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को तनकीद का निशाना बनाया है कि ये मामला उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया हालांकि जस्टर लेंगर के साथ बातचीत की जा सकती थी उन्हें राजी किया जा सकता था लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया इसकी वजह से उन पर तनकीद हो रही है और ये फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के शायक के लिए भी खासा मायूसकुन होगा और नए कप्तान पैट कमेंस जिन्हें अभी पहली ही सीरीज़ हुई थी इसके बाद एक ऐसे कोच से वो महरूम हो रहे हैं जो कि अच्छी कारकरी दिखा रहे थे अपनी टीम के लिए अच्छे नतज़ज दे रहे थे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब जब पाकिस्तान टीम अपनी पास्तान केट वर पर अपनी टीम भेजेगी तो नए हेड कोच के साथ भेजेगी और यकीन इसका इम्पेक्ट पड़ेगा बुरा इम्पेक्ट पड़ सकता है स्टलवी टीम पर और ये तमाम जायजे जो हैं इसलिए स्टलवी जो महरीन है वो भी ये सोच रहे हैं कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया को इस मौका पर जब रवा साल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार बाईस खेलना है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क में इस टाइटल का दफा करना है तो इस मौका पर उन्हें जस्टिन लेंगर के साथ हर हाल में मामला आगे बढ़ाना चाहिए था ये मौका अच्छा नहीं था कि कोच तब्दील किया जाए दूसरी जानब अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जिसका फाइनल मैच आज खेला जाएगा इंग्लैंड और भारत के दरमियान ये पहला मौका होगा कि ये दो दो टीमें किसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मध्य मुकाबले आएंगी दूसरी जानब देखा जाए तो भारत ने मुसलसल चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और वो सबसे ज़्यादा बार चार बार ये वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ भी रखती है जबकि दूसरी जानब इंग्लैंड ने अब तक सिर्फ एक ही बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है जो कि उन्नीस सौ अट्ठानवे में जीता था उसके बाद से यानी रवा सदी में इंग्लैंड की अंडर 19 टीम अभी तक ये जूनियर लेवल का जो वर्ल्ड कप है वो नहीं जीत सकी लेकिन रवा एडिशन में बहुत ज़्यादा तो है इंग्लैंड से और भारतीय टीम भी शानदार फॉर्म में है इसके हवाले से हेड टू हेड जायजा कोशिश करेंगे कि हमारे दूसरे चैनल क्रिकेट बीट पर आपके लिए पेश किया जाए जिसमें तमाम इनफॉर्म प्लेयर्स और दोनों टीमों का हेड टू हेड जायजा भी आपके लिए पेश किया जाएगा और बात हो रही है अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप दो हज़ार बाईस की तो पाकिस्तानी टीम जो कि पाँचवें नंबर पर रही श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब रही इस पोजिशन के मैच के लिए उसके प्लेयर्स ने तीन बड़े रिकॉर्ड कैम किए हैं सबसे जो पहला रिकॉर्ड कैम किया कासिम अक्रम ने वह तिरसठ गेंदों पर सेंचरी बनाई सेंचुरी मुकम्मल की और ये पाकिस्तान अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की तेज़ तरीन है इससे पहले कोई भी बैट्समैन इससे कम गेंदों पर या इतनी गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सका था पाकिस्तान की जानेब से और कासिम अक्रम जो कि अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को लीड कर रहे थे उन्होंने शानदार खेल पेश किया श्रीलंका के खिलाफ पाँचवें पोजीशन के मैच में जिसमें न सिर्फ 135 रन की शानदार इनिंग्स के लिए बल्कि सताइस रन देकर पांच विकटें भी हासिल की और ये वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप यानी अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप की तारीख में पहला मौका है कि कोई खिलाड़ी एक ही मैच में पाँच विकेट हासिल करने में भी कामयाब रहा हो और सेंचुरी भी बनाई हो इससे पहले दुनिया का कोई भी प्लेयर यह कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था जो कि पाकिस्तान के कासिम अक्रम ने सर अंजाम दिया है ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये दो बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं और उसके अलावा हसीबुल्ल पाकिस्तान की तारीख के पहले जूनियर खिलाड़ी बन गए हैं अंडर नाइन्टीन के प्लेयर बन गए हैं जिन्हें एक वर्ल्ड कप में दो सन्चरियाँ बनाने का एजाज हासिल है इससे पहले पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन एक इवेंट में इतनी ज़्यादा सेंचरियाँ नहीं बना सका था और रवां जो टी अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इसमें भी हसीबुल्ला का तौर पर सबसे ज़्यादा दो सन्चरियाँ बनाने वाले बैट्समैन बनने का एजाज़ पाने में कामयाब रहे पाकिस्तान की अगर मजमू तारीख देखी जाए तो अंडर नाइनटीन लेवल पर सिर्फ दो ही बैट्समैन हैं जो कि दो सन्चरियाँ दो बना सके एक हसीबुल्ला और दूसरे बाबर आजम हैं जो कि पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान हैं और पी में कराची किंग्स को लीड कर रहे हैं बाबर आजम ने गो के अंडर नाइन्टीन वर्ल्ड कप में दो सेंचरियाँ की थी लेकिन ये दोनों ही सेंचरियाँ अलग अलग वर्ल्ड कप में की थी लेकिन हसीबुल्ला ने एक ही वर्ल्ड कप में ये अंजाम दिया है और वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और मजमूरी तौर पर देखा जाए तो अंडर नाइन्टीन वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा सेंचरियाँ बनाने का रिकॉर्ड है वो भारत के शेखर धवन के पास है तीन सेंचरियाँ बनाई थी 2003 2004 में और इसके अलावा इंग्लैंड के भरन हम ने दो में भी तीन सेंचरियाँ बनाई थी ये दुनिया के दो ही ऐसे बैट्समैन हैं जो कि एक अंडर नाइन्टीन वर्ल्ड कप में तीन तीन सेंचरियाँ बनाने का एजाज़ अपने नाम कर सके हैं इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तब तक के लिए अल्लाह नगेबान